दोस्तों, जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तभी से ये दर्शकों का चहेता खेल बना हुआ है। इसमें खेलने वाले हर खिलाड़ी को न सिर्फ खूब सारा पैसा मिलता है बल्कि इसके साथ साथ प्यार और इज्जत भी मिलती है। लेकिन कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उसे एक न एक दिन क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करनी ही पड़ती है। कुछ खिलाड़ी तो अपने अंतिम पड़ाव पर आकर संन्यास लेते हैं, तो वहीं कुछ खिलाड़ी अपने करियर की बुलंदियों पर ही इस खेल को छोड़कर चले जाते हैं। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हमने देखे जो उस समय अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं विश्व क्रिकेट इतिहास के 5 ऐसे ही बेहतरीन खिलाड़ियों के बारे में। इससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मोहम्मद आमिर। दोस्तों, पाकिस्तान के बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को कौन नहीं जानता। आमिर पाकिस्तान क्रिकेट का जाना माना नाम है। यूं तो आमिर ने डेब्यू साल 2009 में ही कर लिया था, लेकिन 5 साल का प्रतिबंध झेलकर उन्होंने फिर से वापसी की थी और आते ही क्रिकेट में कोहराम मचा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही चीजें बदलती गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई। इस अनबन को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद आमिर ने मात्र 28 साल की उम्र में 17 दिसंबर साल 2020 को संन्यास की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया था। मोहम्मद आमिर ने अपने करियर में 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 119, 81 और 59 विकेट लिए हैं। एबी डिविलियर्स। आप सभी के और हमारे चहते क्रिकेटर एबी डिविलियर्स शायद इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं, जिन्होंने संन्यास लेकर पूरे क्रिकेट जगत को ही सकते में डाल दिया था। एबी डिविलियर्स ने उस समय संन्यास लिया था जब वे अपने करियर की बुलंदियों पर चल रहे थे। किसी को आस भी नहीं थी कि डिविलियर्स इतनी जल्दी संन्यास की घोषणा कर देंगे। डिविलियर्स ने सबको चौंकाते हुए 23 मई साल 2018 को संन्यास की घोषणा कर दी। डिविलियर्स ने अपने करियर में 114 टेस्ट और 228 वनडे और 78 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 8765, 9577 और 1672 रन बनाए हैं। डिविलियर्स की उम्र इस समय 37 साल है और उन्होंने अब से 3 साल पहले यानी 34 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। ग्रीम स्मिथ। एक और साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ का नाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट में गर्व से लिया जाएगा। ग्रीम स्मिथ अफ्रीका की तरफ से सबसे कम उम्र में टेस्ट कप्तानी करने वाले कप्तान भी हैं। स्मिथ का नाम दुनिया के महान कप्तानों में भी लिया जाता है। स्मिथ ने अपने करियर की बुलंदियों पर पहुँच कर ही संन्यास की घोषणा की थी। 40 वर्षीय स्मिथ ने साल 2014 में अपने करियर को खत्म करने का फैसला किया था। स्मिथ ने 117 टेस्ट मैचों में 9265 रन तो वहीं 197 वनडे मैचों में 689 रन और 33 टी20 मैचों में 982 रन बनाए हैं। स्मिथ ने जब संन्यास लिया था उस समय उनकी उम्र मात्र 33 साल थी। एमएस धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान कप्तान एमएस धोनी ने यूं तो अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को पिछले साल ही अलविदा कहा है, लेकिन उन्होंने अभी वनडे और टी20 से संन्यास लिया है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास साल 2014 में ही ले लिया था, यानी उस समय उनकी उम्र मात्र 33 साल थी। भारतीय टीम उस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी और उन्होंने वहीं से संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। एमएस धोनी ने टेस्ट करियर से उस समय संन्यास लिया था जब वे अपने करियर की बुलंदियों पर चल रहे थे। धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 4876 रन और 350 वनडे मैचों में 10773 रन और 98 टी20 मैचों में 1617 रन बनाए हैं। कुमार संगकारा। एक ऐसा महान बल्लेबाज जिसने अपने करियर के आखिरी 5 वनडे मैचों में से 4 मैचों में शतक जड़े थे, भला वो कैसे संन्यास ले सकता है? और आखिर किसी बल्लेबाज के करियर की इससे बड़ी बुलंदी और क्या हो सकती है? जी हां, कुमार संगकारा ने कुछ ऐसा ही किया था। साल 2015 का वर्ल्ड कप खेल रहे कुमार संगकारा ने अपने आखिरी 5 वनडे मैचों में से 4 में शतक जड़ा था और फिर वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलकर संन्यास की घोषणा कर दी थी। इस महान बल्लेबाज ने अपने करियर में 134 टेस्ट मैचों में 12400 रन, 404 वनडे मैचों में 14234 रन तो वहीं 56 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 382 रन बनाए हैं। यकीनन कुमार संगकारा जैसे खिलाड़ी को ये दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी।